पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बहेरी में मतदान के दौरान पुलिस के गाड़ी पर हुआ पथराव, 3 गिरफ्तार। दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर के तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, जिसमें बहेरी प्रखंड क्षेत्र के हाबीडीह उत्तरी पंचायत के बसगट्टी गांव में पुलिस के गाड़ी पर पथराव किया है, जहां 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इस मामले पर दरभंगा SSP बाबूराम ने जानकारी देते हुए बताया कि बसगट्टी गांव में बूथ संख्या 333 पर एक उम्मीदवार के समर्थक जो है बाहर में वह काफ़ी संख्या में भीड़ लगाए हुए थे, जिस पर जो है पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी जाने लगी, तभी पीछे से लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं इसमें जो लोग हैं पथराव करने वाले, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, बहेरी प्रखंड में सभी जगह मतदान जो है शांतिपूर्ण हो रही है। घटना के बाद पुलिस बल काफ़ी संख्या में मौजूद है, खुद दरभंगा SSP लगातार बने हुए हैं, घटनास्थल पर ही हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस बल है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। बसकट्टी गांव का मतदान केंद्र 333 है। यहां पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नज़दीक काफ़ी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। उसमें से हमारी पुलिस ने 3 लोगों को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था, और जब पुलिस की गाड़ियां जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिया, जो 2-3 गाड़ी पर पत्थर लगाए, और कोई विशेष बात नहीं हुई है। मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से जारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है और कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए थे? जख्मी कोई नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद जब प्रस्थान कर गए थे तब पीछे से पत्थर फेंका है, तो 2 गाड़ी का शीशा कुछ डैमेज हो रहा है, कोई विशेष नुकसान नहीं है और कहीं कोई समस्या भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी? हाँ, विशेषकर जो कैंडिडेट हैं उसके परिवार की महिलाएं ही यहाँ पर ज़्यादातर थी, और उसके साथ में और कुछ लोग थे, कुछ मेंबर लोग थे, उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है। शेष की भी गिरफ्तारी जल्दी आज ही कर ली जाएगी। फोटो खींचो इनका प्रेसाइडिंग ऑफिसर के सामने आओ। शॉर्ट ये देख ले भाई, किनका पोलिंग एजेंसी? यहाँ भैया देख, पोलिंग एजेंट यहाँ पर मोबाइल नंबर बता।
कितना नंबर बूथ है? 116 परसेंटेज बहरी परसेंटेज कितने मिला? परसेंटेज मिला 18.68 10 हुए था परसेंटेज हुआ अभी तक तो हमारे पास तो रिपोर्ट देखलिए ना गाड़ी बकल कैसे मतदान 7:10 पर शुरू होगी और अभी तक कुल मतों की संख्या जो है जी जो 49 हो गया है ना, कुल मत 44 है ना, महिला जो है ना 20, महिलाओं की संख्या 30 और पुरुषों की संख्या 29। अभी तक वोट गिरा है ये वोटर सर, यहाँ कुल कितने मतदान गिरने हैं? यहाँ 249 गिरने हैं। और कौन सा ये स्थान कौन सा हुआ, बूथ संख्या क्या हुआ? ये बूथ संख्या 316 मध्य विद्यालय बिठौली। सर जब शुरुआत की गई क्या यहाँ जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था थी वो सब ठीक है क्या? यस, यहाँ जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो अच्छे हैं। अपने बारे में बता दीजिए, अपना परिचय। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महमूदा यहाँ प्रेजाइडिंग हूँ, हाँ शिक्षक हूँ और यहाँ जो है इस बूथ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर हूँ। बाहर से हैं कि यहीं के ग्रामीण हैं? नहीं।
शुरू हुई और किस तरह से मतदान हुई? मैं पीठासीन पदाधिकारी मोहम्मद जमशेद आलम अंसारी, बूथ नंबर 312, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रहा है, शांतिपूर्वक वोटिंग हो रहा है और अभी हमारा वोटिंग 74 वोट हमारा गिर चुका है, 548 हमारे वोटर्स हैं, इसमें 74 वोट हमारे अभी तक गिर चुके हैं। ये अलग बात है कि पहली बार ईवीएम से वोट हो रहा है, दिक्कत तो हो रहा है, परेशानी हमारे लोगों को हो रहा है, मगर ये कि शांतिपूर्ण हमारा वोट गिर रहा है। ठीक है सर, मिला जुला के दिक्कत तो होता है, मगर ये कि ठीक है सर, तो दिक्कत के बाद ही ना आराम होगा सर। अभी बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसे बटन में दबाना है, बहुत सारे लोग जो है तो देखते हैं, एक पर दबा मार दबाते हैं भागा, फिर उनको जो है इशारा करते हैं ऐसे मारिए, उस पर जो है तीन ठो पर बटन मार लगाना है, एक पर मोहर लगा के चुके हमारे यहाँ निर्विरोध है। चार चार समय तो लगता ही है जो बात है, लेकिन काम सर शांतिपूर्ण, लोग अच्छे लोग हैं, काम लोग करा रहे हैं, लोग हमारे यहाँ के देख रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं, पानी भी लोग पिला रहे हैं, जो होता है वो। ठीक 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 ठीक। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमशेद आलम अंसारी। और क्या है आप? हम पीओ हैं, पिताजी पदाधिकारी। Thank you.